गुड मॉर्निंग गाइज। अभी उठने में लेट हो गया है, देखिए आज डायरेक्ट पढ़ने बैठ गया है, आज नाश्ता भी नहीं किया है। आज प्रेशर पड़ गया थोड़ा पढ़ाई में, क्योंकि बहुत पढ़ना होगा। कल जो चैप्टर मेरा मतलब दिमाग में था, वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। उसको कंप्लीट करने के लिए अभी डायरेक्ट पढ़ने बैठे हैं। पढ़ाई होगा उसके बाद नाश्ता करेंगे सोच रहे हैं। अभी बज रहा है दिन को 11 और अभी तक तो हम पढ़ाई कर रहे थे देखिए। और अभी तो ठंडा नहीं गया है दोस्तों, कि वो पूरा रूम में बैठे हुए सुबह से, बाहर नहीं गए हैं। देखिए बाहर धूप आ गया है, देखिए बाहर दिख रहा है वहाँ देखिए। लेकिन रूम में बैठे हुए तो पूरा पेटी पैक होकर बैठे हैं देखिए। और दोस्तों आज नाश्ता बीच में कर लिए थे, लेकिन वो तो देखा नहीं पाया, तो ठीक है नेक्स्ट दिखाएंगे क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिला उतना कि आपको देखा, क्योंकि बहुत आज प्रेशर था दिमाग में, क्योंकि कल ड्यूटी गया था, ड्यूटी से आया फिर पढ़ाई उतना ठीक ठाक नहीं हुआ था, इसलिए सोचा कि चलो आज सुबह पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए वीडियो बनाने का अपना टाइम नहीं था। तो पूरा सुबह से बैठे हुए हैं देखिए, अभी 3 घंटा हो गया लगभग इसे बैठे हुए हैं। अभी बुक भी मेरा खुला हुआ है देखिए, पढ़ रहा था। अभी भी 1 घंटा पढ़ेंगे सोच रहे हैं, तो देखते हैं अगर पढ़ने का मौका मिलेगा तो ठीक है पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर खाना बनाने के लिए चल जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें और मेरा एक दोस्त है, वो दोनों ही है हम दोनों, कि वो तो खाना मतलब वो चावल बना देता है, बाकी सब सब्जी वगैरह मेरे को बनाना पड़ता है, जो कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि उतना आता नहीं उसको भी, हम भी उतना आता नहीं लेकिन बना लेते हैं अपना खाने के लिए। तो दोस्तों ब्लॉग में जारी रहिए, अच्छा लगेगा, देखते रहिए। पढ़ाई का कम्प्लीट कर चुके हैं, अभी जा रहे किचन, देखते हैं कि किचन में क्या सब कर रहा है और दिखा रहा है आप लोग को। क्या कर रहे हैं ये चावल बैठा है और दाल बैठा रहा है, तो चावल भी लगभग हो गया दोस्तों, दाल चढ़ा दिए हैं। अभी पूरा जिम्मेवारी मेरे हाथ में है, उसका पूरा ऑपरेशन मेरे को ही करना पड़ेगा। तो ये रहा हम लोग का छोटा सा रूम, इसी रूम में हम लोग रहते हैं 4 जन, लेकिन अभी 2 जन घर गया है और बाकी सब 2 जन है हम लोग। और ये रहा बाहर का नजारा, मतलब मेरा हम लोग का रूम का कोई बेलकुनी वगैरह नहीं है, यही से हम लोग बेलकुनी का मजा लेते हैं बस, दैट्स इनफ। तो दोस्तों मेरा बेड तो ऐसे बिखरा पड़ा रहता है, तो आज थोड़ा 5S करने का कोशिश कर रहे हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। शीशे भी है काले, चल बेबी मूड अपना बना ले तू ब्लैक। दोस्तों अभी थोड़ा 5S मेंटेन हुआ है लग रहा, देखिए पूरा अरेंजमेंट करके रखे हैं मेरा बेड को, बस अभी सब नीचे का जितना कचरा वगैरह है सब झाड़ू मार के निकाल दें। देखिए अभी झाड़ू मारने वाले हैं, अभी क्लीन इंडिया अभियान चल रहा है हम लोग का। दाल को छौंकेंगे, देखिए पूरा रेडी करके रखा है, लिए है ये है टमाटर, ये है प्याज, और ये जो दाल है दाल को बॉईल करके रखे हैं, आधा लहसुन है और थोड़ा सा जीरा है। देखिए दोस्तों अभी सब फ्राई कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा काम हो गया, देखिए दाल छोंकना था छोंक दिए हैं, अभी थोड़ा दाढ़ी बनाएंगे, मेरे घर में ही बनाएंगे दाढ़ी। तो ये देखिए मेरा अपना जुगाड़, इसी से हम अपना मतलब दाढ़ी काटेंगे। Thank you.
फाइनली फ्रेश माय फेस, देखिए पूरा क्लीन कर दिया, नीट एंड क्लीन हो गया। तो दोस्तों जरूर कमेंट करिएगा कैसे लगा मेरा ये कटिंग करने का प्रोसेस, और हम ऐसे ही कटिंग करते हैं हर बार, क्योंकि बाहर नहीं करते। जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैं खुद ही कटना शुरू कर दिया है, और ऐसे कंटिन्यू करते हैं। जैसे भी बढ़ जाता है तो मैं कर लेता हूँ, देखिए जुल्फ वगैरह ऐसे पूरा मेकअप कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग में जरूर रहिए, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को दिखाने वाला है। फाइनली आई गॉट फ्रेश एंड लुक्स सम डिफरेंस। गाइस बोलिएगा कैसा लग रहा है मेरा लुकिंग, न्यू लुक। फाइनली रेडी हो चुके हैं, अभी जाएंगे ड्यूटी। सो हेलो दोस्तों, ड्यूटी से निकल चुके हैं, देखिए अभी जा रहे हैं रूम। रूम पहुंच गया है ड्यूटी से, बस देखिए अभी नजारा। अभी बज रहा है 5:30। अच्छा आते समय मार्केट भी करके लाए हैं, देखते हैं क्या क्या लाए हैं, दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए यहाँ पर है बैग में, ये मेरा ऑफिस का बैग है, उसी में पूरा सामान लेके आ गया। बैग लेके नहीं गया था, और मेरा याद भी नहीं थी जाते समय कि कुछ लाना पड़ेगा। तो अभी तो रूम आने के बाद बाहर जाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, मतलब बाहर निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, मन नहीं लगता है कि दोबारा फिर से बाहर जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या लाए हैं। इसमें है बिस्किट और साबुन लाए हैं, साबुन खत्म हो गया था, यहाँ बस इतना आशा ही है सामान। और एक चीज है देखो, न्यूट्रेला का सोयाबीन बड़ी, और बैक साइड में देखते क्या है, बैक साइड में देखिए आलू है, जो यहाँ आलू का अभी रेट है 42, आप लोग का वहाँ कितना है पता नहीं, बस इतना सा है, बाकी भूख है गो बस। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपका अपना अपना एरिया में कितना अभी आलू का रेट है। हम लोग का यहाँ तो 42 लिया आज, यहाँ तो बढ़ता है घटता है, कभी 45 लेता है कभी 42 लेता है। और दोस्तों अभी फ्रेश होने जाएंगे, फ्रेश नहीं हुए हैं, अभी फ्रेश होंगे आफ्टर देन, देखते हैं क्या कर रहे हैं बस। दोस्तों जो जो लाए हैं उसका थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं। देखिए अभी इसमें हम लोग का हिसाब का नोटबुक है, इसमें लिख देंगे अभी, मतलब जो जो लाए है वो सब लिखेंगे, हिसाब करके रखना पड़ता है, नहीं तो हिसाब बढ़ा या कम कौन कितना खर्चा कर रहे हैं तो देखना पड़ता है ना। तो इसलिए अभी जो जो हम लाए हैं वो सब हम यहाँ नोटबुक में नोट आउट कर दे रहे हैं। दोस्तों फ्रेंड्स फ्रेश हो चुके हैं, अभी इसको सेटअप करेंगे, उसके बाद अब तो पता ही चल रहा है क्या होने वाला है, मतलब पढ़ाई करने वाले हैं और कुछ नहीं। इसको सेटअप करने के बाद पढ़ाई करेंगे, जितना टाइम तक मतलब एनर्जी रहेगा उतना टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिनर के लिए हमको मतलब डिनर बनाने के लिए हमको रेडी होना पड़ेगा। फिर डिनर बनाने के बाद देखते हैं क्या क्या होता है, डायरेक्टली तो नहीं बोल पा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आज मेरा रूम थोड़ा सा देखने में क्लीन लग रहा है ना दूसरे दिन से, क्योंकि आज थोड़ा बहुत साफ सफाई हुआ है सुबह में बस, क्योंकि दूसरे दिन तो इतना नीट एंड क्लीन नहीं रहता, क्योंकि आज मोच भी छोल लिए हैं, मतलब मोच भी पूरा बना लिए हैं, इसीलिए थोड़ा बेड उड सब कोई थोड़ा बहुत झाड़ लिए हैं, नहीं तो मेरा तो टाइम ही नहीं मिलता है काम झाड़ेंगे, झाड़ने का मौका नहीं मिलता है। जैसे ड्यूटी आओ फिर भी यही बेड में जो काम करना है करो, टाइम ही नहीं मिलता है इतना। तो चलिए खैर अच्छा है कि आज थोड़ा
साफ किया है, ये अभी एक सप्ताह के लिए ऐसे ही रहेगा। देखते रहिए क्योंकि हर एक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे रहता है मेरा रूम और मेरा बेड। तो चलो अभी शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करेंगे, इसको सेटअप करेंगे। तो टेबल हो चुका है रेडी, देखिए फोल्ड कर दिए हैं, बस अभी शुरू करेंगे पढ़ाई। ठीक है, ब्लॉग में जारी रहिए, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी डिनर करने बैठे हैं, देखिए अभी डिनर कर रहे हैं बस। दोस्तों रात के 11:30 बज चुके हैं और देखिए अभी भी हम मेरा पढ़ाई कंप्लीट नहीं किए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।